स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रॉल सेटिंग के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ये माउस होता है, माउस पर जो हमारा ये स्क्रॉल बटन होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का जो स्क्रॉल बटन होता है, इसको हम कैसे इसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास विंडो 10 है जिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें जाना है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमें जाना है सेटिंग पर। विंडो पर आपको दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर जाना है, सेटिंग पर जाना है फ्रेंड्स। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, ये देखिए फ्रेंड्स आपको आ रहा है। और हमें यहाँ पर जाना है सेटिंग पर, आपको दिख रहा होगा उस साइड, लेफ्ट साइड सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि हमें जाना है सेकंड पॉइंट पर, यानी कि डिवाइस पर जाना है, क्लिक करना है। डिवाइस पर जाते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा और हमें जाना है यहाँ पर माउस पर जाना है फ्रेंड्स। माउस पर जाते ही आप देख सकते हैं ये जो मेरा इंटरफेस है ये आपको नज़र आ रहा होगा। और हमें यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है स्क्रॉल हाउ मैनी लेंस टू लेंस ईच टाइम, यानी कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसकी जो लेंथ है वो इतनी रखना चाहें या फिर इतनी रखना चाहें या फिर इतनी, तो हम उसको अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फ्रेंड्स, अपने हिसाब से जो स्क्रॉल बटन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इतना रखना चाहता हूँ तो इतना भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।